अगर मैं भी एक दूल्हे को घोड़ी से उतारने के प्रयास हुए और वहाँ के लोगों ने जो है जवाब भी दिया, मौके पर गोली मार दी उस बदमाश को, तो ये हिम्मत उन्होंने दिखाई। हालांकि गोली मारना अच्छा काम नहीं है, हम उसके पक्षधर नहीं है, हम हिंसा के बिल्कुल भी पक्षधर नहीं है, परंतु आत्मरक्षा में और अपने मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा के लिए यदि आपको शस्त्र भी उठाना पड़े तो उठाना चाहिए। ये भारत का संविधान और IPC भी कहती है। बिल्कुल, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने ये बात स्पष्ट तौर पर कही और उन्होंने ये भी कहा कि पहले नंबर तो इस देश के वंचित लोगों को, दलित लोगों को, इनको हिंदू धर्म को ठोकर मार देनी चाहिए। पहली बात तो उन्होंने ये भी बोली, क्योंकि ये जो है, जो ये धर्म ही लोगों को नफरत करना सिखाता है, लोगों को लोगों के खिलाफ भड़काता है, एक समाज को वो जूती की नोक पर रखना चाहता है, उनके जो स्वतंत्रता के जो उनके अधिकार है, जो मानवीय अधिकार हैं, उनको भी वो गवन कर जाना चाहता है। तो ऐसा धर्म मेरी बुद्धि को नहीं जचता और मैं इसे जो है बिल्कुल ठोकर मारता हूँ। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और करोड़ों दलितों को इस व्यवस्था से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। तो भाई, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बातें ना मानना भी कहीं ना कहीं इस समाज के लिए एक ये बात रही है कि आज उनको ठोकर खानी पड़ रही है। भले ही भारत में भारतीय संविधान का शासन है, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से मनुवादी ताकतें ज्यादा ताकतवर हो गई हैं, उनको सत्ता से शक्ति मिल गई है और उस शक्ति का कहीं ना कहीं वो प्रत्यक्ष रूप में भी इस्तेमाल कर देते हैं। जैसे पावटी गांव में हुआ है, वो जब सत्ता उनकी है, इंस्पेक्टर उनका बैठा है, SDM उनका है, कलेक्टर उनका है, उनका हुक्मरान प्रधानमंत्री उनका बैठा है, मुख्यमंत्री उनके बैठे, क्यों डरेंगे भाई? वो किससे डरेंगे? डर होता है शासन की शक्ति का, वही सर्वोच्च शक्ति होती है। हिंदू मान्यताओं को, हिंदू दर्शन को, वो जो लोग, जो पीड़ित लोग हैं, उन्हें ही ठोकर मारने की जरूरत है। शासक को जरूरत नहीं है कि वो अपनी शक्ति को छोड़े, परंतु जो शासित लोग हैं, जो मनुवाद से पीड़ित लोग हैं, वो जिस दिन ये बीड़ा उठा लेंगे कि हम इस धर्म को नहीं मानेंगे, हम इस संस्कृति को नहीं मानेंगे, हम इनके तीज त्यौहार पंथ परंपरा को नहीं मानेंगे, हम वो सिर्फ और सिर्फ वो बात मानेंगे जो समता समानता मैत्री के लिए जरूरी है, तो जो शोषक है, जो मुनादी करवाने वाले लोग हैं, वो अपने आप ही जीरो हो जाएंगे। उनको ताकत दो चीजों से मिलती है, पहली सत्ता शक्ति और दूसरी उनके बनाई हुई सामाजिक व्यवस्था को फॉलो करने से। भाई, मंदिरों में चढ़ावा उन्हीं को जा रहा है ना, और जो जो भी चीजें हो